बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के बड़े माफियाज पर हाथ तो डाल दिया, लेकिन अब माफियाज भी एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि अब वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और सबसे पहले शुगर माफिया ने ये जवाब दिया है, शुगर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से बाकायदा ये जवाब आया है कि हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। और जिस तरह से बदमाशी की जा रही है, ये जंगल का कानून नहीं है कि हमारे खिलाफ इस तरह से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, हम इसका जवाब देंगे और जो भी हो सका हम करेंगे। अब ये शुगर मिल्स की तरफ से ये वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है। अब आप देखिए कि जूही क्रैकडाउन शुरू हुआ उसके बारे में आपको बता देता हूँ रद्दअमल किस तरह से आया है, क्योंकि अखबारात, मीडिया, अब हर कोई इसको हाईलाइट करेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि शुगर मिल्स की तरफ से बहुत ज़्यादा इश्तहारात भी दिए जाते हैं मीडिया को, तो इस वजह से अब वहाँ भी बहुत ज़्यादा कवरेज होगी। अब आप देखिए कि जिस दिन ये क्रैकडाउन शुरू हुआ है, जिस दिन ये ऐलान हुआ कि इनके ख़िलाफ़ जाया जाएगा, 20 टीमें FI ने बना दी हैं, गिरफ्तारियाँ होंगी, जेल जाना पड़ेगा, तो उसी दिन 900 रुपये, तो उसी दिन चीनी की बोरी की कीमत बढ़ गई थी 900 रुपये एक दिन के अंदर अंदर। अब हुआ यह है कि 7 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, 7 गिरफ्तारियां हो भी गई हैं। इसके अलावा 424 अकाउंट्स, जाली अकाउंट्स मुंजमित कर दिए गए हैं। 424 अकाउंट्स, आप अंदाजा लगाइए, ये कोई 10-20 अकाउंट्स की बात नहीं हो रही जिनमें ये सट्टेबाजी होती थी। 424 अकाउंट्स हैं जो अब तक मुंजमित कर दिए गए हैं, क्योंकि पूरा डाटा, फॉरेंसिक डाटा, बायो डाटा इकट्ठा किया गया, एक एक चीज सामने लाई गई और उसके बाद FIA ने बड़ी कार्रवाई की है। इसमें 70 अरब रुपए कहा जा रहा है कि मौजूद है, 424 जो अकाउंट्स मुंजमित किए गए हैं इन्हीं में। फिर बड़े बड़े माफियाज हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी है, 7 गिरफ्तारियां हो गई हैं, मजीद कहा जा रहा है कि अभी गिरफ्तारियां होंगी। इसके अलावा वो लोग जो सट्टेबाजी में, जो खुद को ब्रोकर्स कहते हैं, चीनी के ब्रोकर्स, जो कराची से पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, कराची हो, लाहौर हो, हर बड़े शहर में है, उनसे भी जवाब तलब कर लिया गया है कि अपने अकाउंट्स की तफसीलात लेकर आएँ, आपके ख़ानदान में जो जो लोग हैं उनके नाम, जो जो जायदादें हैं, जो टैक्स आपने दिया, क्या कुछ किया, तफसीलात आप लेकर आएँ। इस पर बुला लिया गया है FIA की तरफ से, FIA पूरी तैयारी करके बैठा है, क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, गिरफ्तारियों का मैंने आपको बता दिया, लेकिन जवाब में क्या हो रहा है, महंगाई हो रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। इदारा शुमारियत ने कह दिया कि 15.5% तक महंगाई चली गई है। अभी तो आप देखें पेट्रोल माफिया के खिलाफ, पेट्रोलियम माफिया के खिलाफ जो एक्शन शुरू किया गया है, अभी तो उनका भी जवाब आने वाला है। हैरान कुन तौर पर जो रिपोर्ट तैयार की गई है, जो हुकूमत को दी गई है, इवन पंजाब हुकूमत को जो रिपोर्ट दी गई है, उसमें बताया गया है कि चीनी वाफिर मकदार में मौजूद है। अगर ये सप्लाई चेन चलती रहे, अगर सप्लाई चेन चलती रहे तो चीनी का कोई बहरान मुल्क में नहीं आना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद बहरान आ रहा है। अब ये है माफिया, गिरफ्तारियां हो रही हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि चीनी कीमत भी ऊपर ले जाएंगे। ये जो व्हाट्सएप अकाउंट्स हैं जिसमें 1000 हाथ सफ़ों का डाटा है जो पकड़ा गया है, उससे भी ये पता चल रहा है कि ये रमज़ान मुबारक में कीमतें और बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले थे, ये इंकशाफ हुआ है। तो अब ये होगा कि स्टोर करेंगे, आप देखेंगे कि मार्केट से चीनी गायब करने की कोशिश होगी ताकि रद्दअमल दिया जा सके, घुटनों के बल गिराया जा सके हुकूमत को। और माजी में हो चुका है, बड़े बड़े माफियाज हैं, इतने ताकतवर हैं, चूंकि इनके हुकूमतों में भी अहलकार होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, तो इतना आसान नहीं है। किस तरह से कीमतें बढ़ाई गई हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि इमरान खान साहब ने एक और जो ऐलान किया वो ये कि अब अपना घर, जो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी है, उसके तहत उन्होंने अब बैंकों को भी कह दिया है, पाबंद कर दिया, नेशनल बैंक भी उसमें सामने आ गया है, स्टेट बैंक से बात हो रही है, इस पर एक टेलीथॉन की, और इमरान खान साहब कहीं तरह में होने के बावजूद ख़ासतौर पर इस टेलीथॉन में उन्होंने शिरकत की, और उन्होंने ये कहा कि आसान बनाएं, मज़ीद प्रोसेस आसान बनाएं। अब ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है, और इमरान खान कह रहे थे कि कम से कम 1 साल हमें इस पर लग गया इसका वर्कआउट करने में, क्योंकि पाकिस्तान में पहले था ही नहीं। एक तो गरीबों के घर बन रहे हैं, अब मुतवसत तबके के लिए, यानी 5 से 10 मरला, 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक आसान शराइत पर कर्ज मिल सकता है, आसान शराइत पर। तो इमरान खान साहब ने वाजे किया कि वही लोग जो बेचारे किराए पर रह रहे हैं पाकिस्तान में, करोड़ों लोग हैं जो 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 अपना घर नहीं रखते, तो उनके लिए ये है कि वो किराए पर रह रहे होते हैं, तो वही जो सारी उम्र वो किराया देते रहते हैं और अपना घर भी नहीं बना पाते, तो तकरीबन उसके बराबर ही रकम अंदाजन उनको देनी पड़ेगी, और वो जो किराया देते हैं वही रकम वो बैंक को देते रहेंगे, 15 से 20 साल में वो रकम भी लौटा देंगे, और ये कर्ज़ उनको मिलेगा आसान शराइत पर। इस स्कीम का आगाज़ किया जा रहा है। अब
इसमें भी आपको मैं बता दूं कि मुझे ये डर है कि इसमें कंस्ट्रक्शन माफिया सान में आ जाएगा, वो भी इसको नाकाम बनाने की कोशिश करेगा। चूंकि बैंकों को भी ज़बरदस्ती पाबंद किया गया है कि कम अज़ कम 5% वो जितने कर्ज़े देते हैं वो इसमें नहीं, इससे पहले तो शायद 1% भी मुश्किल थे, तो इसलिए कि ये काम हो सके। मैंने आपको पेट्रोल का बता दिया कि बहरान के हवाले से नदीम बाबर को हटा दिया गया, सेक्रेटरी पेट्रोलियम को हटा दिया गया, तो उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इमरान खान साहब तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि माफिया से टकरा कर इनको गिराएं और जिस तरह से उन्होंने वादा किया था पूरा करें, मगर माफिया इसीलिए उसको माफिया कहते हैं कि उनके हर जगह पर ताल्लुकात होते हैं, उनके तमाम सतहों पर, यानी आप सियासत में ले लेंगे, आप निज़ाम इंसाफ में ले लेंगे, हर सतह पर, बिजनेस में, उनके दीगर, अब ये थोड़ी है कि शुगर मिल्स वाले जो हैं उनका असर रसूख दीगर चीज़ों पर नहीं है, वही सारे लोग हैं, यानी कई ऐसे होंगे जिनकी शुगर मिल्स भी हैं, वो फ्लावर मिल्स में भी उनकी इन्वेस्टमेंट है या कोई और रिश्तेदार की है, तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए आप देखिए कि जैसे ही क्रैकडाउन शुरू हुआ है तो होशरबा इजाफा हो रहा है चीज़ों की कीमतों में, रमज़ान मुबारक से पहले चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो गया है, फिर ये कह रहे हैं कि हम चाराजोई भी करेंगे, ऐलान भी वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये बात भी देखने में आ रही है कि धमकाया तो जा रहा है, साथ मीडिया का सारा लिया जा रहा है। अभी मैं देख रहा था कि खबरें ये बता रहे हैं कि जी पुलिस ने हमारे ऊपर क्रैकडाउन कर दिया है, हमारी मिलें बंद की जा रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं, और ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने, पाकिस्तान ने कई से माहदे मनसूख कर दिए हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह कहा था कि वो चीनी सप्लाई करेंगे, जिनमें उन्होंने कहा था उन्होंने सप्लाई रोक दी, गालबन 9 मिलें हैं ऐसी, वही कि ताकि मार्केट में कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएँ, तो वो सप्लाई ही नहीं कर रहे। तो यही हाल अब ऐसे लग रहा है कि दीगर चीज़ों का भी है, ताकि कीमतें इतनी बढ़ाकर हुकूमत को गिराया जा सके। इसके साथ आप देखिए कि एक तरफ डॉलर की कदर जो है वो नीचे जा रही है, मुसलसल नीचे जा रही है, और आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भी और नीचे जाएगी। मैं पहले अपनी वीडियोज़ में कह चुका हूँ 150 रुपये तक। अब इसका बराह रास्त असर ये होना चाहिए कि महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए, ना कि महंगाई बढ़े। अगरचे हर दफ़ा रमज़ान मुबारक के आने में ये ज़खीरा अंदोज़ी और ये मुनाफाखोरी नाजायज़ ये बढ़ जाती है, अफसोस की बात है, वो तो है ही, लेकिन इस दफ़ा ये भी है कि माफिया पर चुके हाथ डाला गया है, तो इस वजह से भी ये असरात नज़र आ रहे हैं। अब शुगर माफिया के खिलाफ ऑपरेशन के बावजूद कीमतें बेकाबू हो चुकी हैं और लोग परेशान हैं कि क्या करें। अच्छा, अब कई अकाउंट्स मुजमद हुए हैं, लेकिन फिर भी कराची की बात करें तो चीनी 105 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रही है, और गोश्त, मुर्गी का गोश्त 450 पर चला गया है, पकाने का तेल 280 रुपये लीटर में फ़रोख्त होने लगा है। तो इस वजह से आप देखिए कि लोग चीख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि क्या हो रहा है। फिर इदारा शुमारियात ये कह रहा है कि महंगाई की शरह 15.35% तक पहुंच गई है, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 9 शुगर मिलों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अब इनको कभी भी यानी जो भी टेंडर होंगे, कारोबार होगा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का, उसमें ये नहीं आ सकेंगे ये मिलें, और इनमें नाम भी हैं, वो तफसील है, मैं उसमें जाने चाहता, वक्त ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन देखिए ये हो रहा है कि हर चीज़ की कीमत अब बढ़ गई है, दालों की कीमतें भी, हर तरफ अब महंगाई हो रही है। तो अब देखना ही है कि इमरान खान साहब क्या करेंगे, क्या वो पीछे हटेंगे, या वो इस तरह से ये जो ब्लैकमेलिंग हो रही है इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि अगर ये ऑपरेशन जारी रहा, क्योंकि FIA की तारीख का, पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा क्रैकडाउन इस वक्त हो रहा है। मैंने आपको बता दिया, गिरफ्तारियां हो रही हैं, जवाब तलब हो रहे हैं, सबको बुलाया जा रहा है, सबके अकाउंट्स छाने जा रहे हैं, पकड़ लिया गया है अरबों रुपये का, 110 अरब रुपये तो पकड़े गए हैं, 70 अरब रुपया 424 जो अकाउंट मुंजमद हुए हैं उनमें है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना बड़ा ये क्रैकडाउन हो रहा है पाकिस्तान की तारीख का, तो इसके असरात आने हैं। तो अब देखना है कि इमरान खान साहब पीछे हटते हैं या इस तरह से क्रैकडाउन जारी रहता है। लगता यह है कि अगर ये मामला चलता रहा, क्रैकडाउन इसी तरह से जारी रहा, तो ये कीमतें जो बढ़ी हैं तो फिर ये वक्ती साबित होंगी, और हो सकता है कीमतें ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन जब इनको पता लग जाएगा कि माफिया को ये पीछे हटने वाले नहीं हैं, अब कौम के ये जो इदारे हैं, मुल्क के इदारे हैं, ये हमें पकड़ के छोड़ेंगे, जो पहले इनको रिश्वत दे दी जाती थी, पता नहीं क्या क्या किया जाता था, अब कई ऐसे अफसरान आ गए हैं जो बहुत ईमानदार हैं, उन्होंने बाकायदा मुकदमे दिए हैं, उनको जितनी मर्ज़ी ऑफ़र कर लें, क्योंकि ये तो अरबों रुपए की गेम है, तो इनको करोड़ों की ऑफ़र करना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, मगर ऐसे लोग आ गए हैं और उन पर निगाह भी रखी जा रही है। तो उम्मीद है कि इन द लॉन्ग टर्म ये एक जब माफिया गिरा तो बाकियों को भी नसीहत हो जाएगी कि शुगर माफिया के बाद बाकी पेट्रोलियम माफिया हो, कंस्ट्रक्शन में जितने हैं, सीमेंट वगैरह दीगर, उनको भी नसीहत हो जाएगी कि भाई ये उन्होंने बड़े माफिया को इन्होंने छोड़ा तो ये हमें भी नहीं छोड़ेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।